हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल करके सामने आ रही है, जो कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि LDC की होने वाली है। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं वो एडवर्टीजमेंट कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ विज्ञापन के ऊपर। यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या दे दिया है 2/2021। इम्पोर्टेंट नोट देखेंगे, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। तो फ्रेंड, यहाँ पे कहा गया है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऑनलाइन थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा। अनदर भी अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं फ्रेंड बात करूँगा इम्पोर्टेंट्स डेट की। देखिए यहाँ पे द ओपनिंग डेट्स एंड क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस एज अंडर यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि आपका जो फॉर्म भरने का जो स्टार्ट हो रहा है ये 25/5/2021 से हो रहा है, ठीक है। और इसका लास्ट डेट जो रखा गया है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 24/6/2021 रखा गया है। अब मैं फ्रेंड मैं बात करूँगा LDC रिक्रूटमेंट की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 नंबर सीरियल में कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट LDC जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ग्रुप सी की यह रिक्रूटमेंट है और 1900 इसका ग्रीड पे रखा गया है, जिसमें टोटल वैकेंसी जो है फ्रेंड ये आप देख सकते हैं 278 है और यहाँ पे कैटेगरीज वाइज ये वैकेंसी बांटा गया है। अब मैं फ्रेंड बात करूँगा इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ये दे दिया है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड और इक्विवेलेंट, एंड सेकेंड में दिया एबिलिटी टू टाइप एट ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 words per minute इन इंग्लिश और 30 words per minute इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। यानी कि इसमें कहा गया है फ्रेंड मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी के बाद आपके पास ये होना चाहिए 35 words per minute इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए और हिंदी में, या हिंदी में 30 words per minute आपको टाइपिंग आना चाहिए कंप्यूटर पे, ये कहा गया है। और यहाँ पे देखिए डिजरेबल में कुछ नहीं, यानी कि कुछ नहीं आपके पास रहेगा डिजरेबल क्वालिफिकेशन और इसेंशियल नील और डिजरेबल ने देखिए। और यहाँ पे देखिए पे स्केल की मैं बात करूँ तो 5200 से लेकर के 20200 तक रखा गया है और ये ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है। एज लिमिट की मैं बात कर लूँ तो एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 27 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट 12(7), यानी कहने का मतलब एज जो इसमें मांगा गया है फ्रेंड 18 से लेकर के 27 साल तक आप भर सकते हैं और जो गवर्नमेंट रूल है फॉर्म भरने का वो उसमें जो छूट मिलता है वो यहाँ पे भी आपको छूट मिलेगा। अब मैं फ्रेंड बात कर लूँ एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है, 100 रुपीज़ ओनली ओमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट ओमेन है और SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए यहाँ पे फ़ी नहीं रखा गया, एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल ही नहीं रखा गया। और क्या कहा गया है देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक सर्विस मैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ NCT और दिल्ली लोकल बॉडीज ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर इतना गिवन टू एक्स सर्विस मैन फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट नॉट एलिजिबल फॉर फी कंसर्न, ये कहा गया है। और फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड अंडर एनी सरकमस्टांस, है ना, यानी कहने का मतलब एक बार जो आप फी पेमेंट कर देंगे तो वह आपको वापस नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या दिया गया है, द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू 1 tier 2 tier, ठीक है, यानी कि 2 stage में आपका हो सकता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की।